मुंबई के होटल में बागी विधायकों से नहीं मिल पाए कर्नाटक कांग्रेस के नेता डीके शिवकुमार, पुलिस ने होटल में घुसने से रोका। होटल में डटे हैं कांग्रेस जेडीएस के 13 बागी विधायक, डीके शिवकुमार से नहीं मिलना चाहते। बागी विधायकों ने पुलिस से मांगी है सुरक्षा, जान को बताया खतरा। डीके शिवकुमार भी होटल के बाहर डटे, कहा अपने दोस्तों से मिलने आया हूं, मिलकर ही जाऊंगा। डीके शिवकुमार ने बीजेपी पर लगाया साजिश का आरोप, कहा होटल में मेरा कमरा बुक है, मुझे अंदर जाने दिया जाए। बीजेपी ने आज बेंगलुरु में गांधी मूर्ति के सामने प्रदर्शन का किया फैसला, राज्यपाल से भी करेंगे मुलाकात। कांग्रेस और जेडीएस के नेता आज 12 बजे करेंगे राजभवन का घेराव, लोकतंत्र खतरे में है का दिया नारा। आज लोकसभा चुनाव में हार के बाद पहली बार अमेठी के दौरे पर जाएंगे राहुल गांधी, कार्यकर्ताओं से मुलाकात। पीएम मोदी का बीजेपी सांसदों को निर्देश, बापू की 150वीं जयंती पर करें 150 किलोमीटर की पदयात्रा। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी का बयान, राहुल के लिए लोकसभा में पहली पंक्ति में जगह देने की कभी नहीं रखी मांग, बताया झूठा प्रोपेगेंडा। पिथौरागढ़ के मुनस्यारी में पहाड़ी का एक बड़ा हिस्सा सड़क पर गिरा, लोगों ने भागकर बचाई जान। टिहरी के पांगरखाल में तेज बहाव की चपेट में आया हाईवे, दोनों तरफ सैकड़ों गाड़ियां फंसी। रुद्रप्रयाग में भूस्खलन की भेंट चढ़ा डंपिंग जोन और पार्किंग का हिस्सा, भारी बारिश के बाद खिसकी जमीन। गंगोत्री हाईवे के सुक्की धाम के पास लगातार भूस्खलन से बड़ा खतरा, प्रशासन और भूवैज्ञानिक सर्वे में जुटे। केदारनाथ में मौसम बिगड़ने से श्रद्धालुओं के लिए हेलीकॉप्टर सेवा बंद, 11, 12 और 15 जुलाई को भारी बारिश की चेतावनी। उत्तराखंड के बीजेपी विधायक प्रणव सिंह चैंपियन का चौंकाने वाला वीडियो, हथियारों के साथ डांस करते दिखे विधायक। वीडियो में अभद्र भाषा का इस्तेमाल, समर्थकों के साथ पार्टी करते दिखे विधायक। मऊ जेल बनी कैदियों की ऐश गाह, मोबाइल से लेकर ड्रग्स तक मिलते हैं, वायरल वीडियो से खुलासा। एक कैदी ने बनाया वीडियो, जेलर और जेल अधीक्षक पर लगाया धन उगाही का आरोप। रतलाम के सीएमओ और कांग्रेस पार्षद के बीच तूतू मैमे, सीएमओ ने धमकी देने पर दर्ज करवाई एफआईआर। मिशन कश्मीर के तहत अमित शाह का बड़ा फैसला, पंचायतों को सीधे दिए गए पैसे, 700 करोड़ की पहली किस्त जारी। गौ तस्करी और मॉब लिंचिंग की घटनाओं पर रोक लगाने के लिए यूपी में अनूठी पहल, गाय ले जाने के लिए मिलेगा सर्टिफिकेट। झारखंड हाईकोर्ट मॉब लिंचिंग की घटनाओं पर हुआ सख्त, 7 दिन के अंदर मांगी विस्तृत रिपोर्ट। आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव की सजा बढ़ाने को लेकर सीबीआई ने हाईकोर्ट में दायर की याचिका, कहा कभी दोषियों को मिले समान सजा। अलीगढ़ में हाईवे पर मंगल आरती में शामिल हुए श्रद्धालु, अलीगढ़ आगर और अलीगढ़ मथुरा हाईवे के दोनों तरफ लगा जाम। पश्चिम बंगाल के हावड़ा में फिर सड़क पर लोगों ने पढ़ा हनुमान चालीसा, 1 घंटे तक बंद रही सड़क। केंद्रीय राज्य मंत्री प्रताप सारंगी के चुनाव को चुनौती देने वाली याचिका ओडिशा हाईकोर्ट में दायर, नतीजों को रद्द करने की मांग। अगरतला में लेफ्ट ने निकाला बड़ी रैली, पंचायत चुनाव से पहले बीजेपी पर हिंसा, सुनियोजित हिंसा कराने का आरोप। उत्तर प्रदेश के गोंडा में 10 नाकारा पुलिस वाले जबरन किए गए रिटायर, काम में लापरवाही के आरोप पर कार्रवाई। अलगाववादी नेता आसिया अंद्राबी पर कसा शिकंजा, श्रीनगर में एनआईए ने संपत्ति अटैच की। दिल्ली में दूध व्यापारी से 8 लाख की लूट, दिन दहाड़े 3 बदमाशों ने वारदात को दिया अंजाम। दिल्ली के संगम विहार में बदमाशों ने युवक की गोली मारकर की हत्या, 3 बाइक सवारों ने वारदात को दिया अंजाम। आगरा में चल रहे दवाइयों के अवैध कारोबार का भंडाफोड़, औषधि विभाग की टीम ने मारा छापा। मेरठ में पुलिस और बदमाशों के बीच एनकाउंटर, गैंगस्टर जावेद को लगी गोली, एक आरोपी फरार। रायसेन में डायरिया से 40 मरीज अस्पताल में भर्ती, एक ही कुएं के पानी पीने से लोग हुए बीमार। मेरठ में ऑन डिमांड लग्जरी कार चोरी करने वाले गिरोह पर कसा शिकंजा, 5 गिरफ्तार, चोरी की लग्जरी कार बरामद। दिल्ली के पास कुंडली इंडस्ट्रियल एरिया में कुर्सी बनाने की फैक्ट्री में लगी आग, दमकल की 10 गाड़ियां मौके पर। अलवर में टीए बिल पास करने के नाम पर प्रिंसिपल ने शिक्षक से लिए 15,000 घूस, एसीबी ने पैसे के साथ प्रिंसिपल को किया गिरफ्तार। भोपाल पुलिस ने पति पत्नी को किया गिरफ्तार, नक्सलियों के साथ संबंध होने का लगाया आरोप। ललितपुर में जल भराव में डूबकर 2 बच्चों की मौत, गड्ढे में डूबते भाई को बचाने उतरी बहन भी डूबी। मैनचेस्टर में आज जारी रहेगा भारत न्यूजीलैंड का वर्ल्ड कप सेमीफाइनल मैच, कल बारिश की वजह से पूरा नहीं हुआ था मुकाबला, आज भी बारिश की आशंका।
मौसम ठीक रहने पर आज अपनी पारी में बची हुई तेज गेंद खेलेगी न्यूजीलैंड की टीम। कीवी टीम ने बनाए हैं 5 विकेट पर 211 रन। आज भी बारिश हुई तो फैसले के लिए डकवर्थ लुईस का लिया जा सकता है सहारा, लेकिन मैच पूरा होने के लिए टीम इंडिया का कम से कम 20 ओवर खेलना जरूरी। अगर बारिश से आज नहीं हो पाया खेल तो फाइनल में पहुंचेगी टीम इंडिया, लीग दौर के अंकों के आधार पर फैसला। डकवर्थ लुईस नियम में भारत को मिल सकती है कठिन चुनौती, अगर टीम इंडिया को सिर्फ 20 ओवर मिला तो मिलेगा 148 रन का टारगेट। अमेरिकी राष्ट्रपति ने ट्वीट कर कहा, भारत काफी समय से अमेरिकी प्रोडक्ट्स पर वसूल रहा है शुल्क, अब ये बर्दाश्त नहीं। चीन के प्रत्यर्पण बिल को छोड़ने के ऐलान के बावजूद हांगकांग में जारी है बवाल, प्रदर्शनकारियों ने दी और ज्यादा विरोध की चेतावनी। इटली में विमान हादसे का वीडियो आया सामने, बर्फीले पहाड़ों के बीच प्लेन हुआ क्रैश। स्पेन के पैम्पलोना में सैन फर्मिन फेस्टिवल की धूम, 8 दिन तक चलेगी बोल रहे। जापान में व्हेल के मांस बेचने पर हटा प्रतिबंध, 30 साल बाद जापान सरकार ने बदला फैसला। लेटेस्ट खबरों के लिए यू ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।